हेलो एवरीवन, सो यार टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रीप राजस्थान। स्पेशली बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं, स्पेशली कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर, जैसे कि एमबीएम जोधपुर, आरटीयू कोटा, सीटीयू उदयपुर, जीईसी अजमेर, भी हमको सीएससी ब्रांच चाहिए, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, हम ट्वेल्थ बेस पे लेना चाहते हैं, हमने जेई मेन दिया नहीं है, तो इन सब का क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यार ये जितने भी कॉलेजेस हैं, जिन भी बच्चों को सीएससी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, देखो यार एमबीएम जैसे कॉलेजेस के अंदर सीएससी जो होता है वो रीप के अप्रोक्स 100 रैंक के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब रीप रैंक क्या होता है, जनरली जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, रीप राजस्थान का जो आपने फॉर्म फिल किया है, जैसे फॉर्म क्लोज हो जाएंगी, आपकी एक रैंक अलॉट करेगा जो रीप जो बॉडी है, वो आपको एक रैंक दे देगा कि आपका रीप का रैंक इतना है, यानी कि आपके आगे इतने बच्चे ऑलरेडी है और आप इतने नंबर पे है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरली रीप रैंक। और जो टोटल जो ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं इसके अंदर, आप ये मान के चलो कि राजस्थान में या फिर आउट ऑफ राजस्थान, टोटल जो अप्लीकेबल कैंडिडेट होते हैं ओबीसी में जो अप्लाई करते हैं, वो अप्रोक्स 4,000 से 4,500 कैंडिडेट होते हैं। एंड जो टोटल जो कैंडिडेट होते हैं वो पिछले कुछ डेटा के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 15,000 या 16,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। एंड जो टोटल जो सीट अलॉट होती है रीप राजस्थान में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड लाइक दैट, वो अप्रोक्स जो सीटें भरती है लास्ट में जो रिपोर्ट निकल के आती है, वो अप्रोक्स 7,000 से 8,000 सीटें टोटल भरती है। और रीप राजस्थान में जितने भी टोटल कॉलेजेस हैं उनमें जो सीटें हैं वो अप्रोक्स 27,000 से लेके 28,000, यानी कि 27,000 से लेके 28,000 तक टोटल सीटें हैं रीप राजस्थान में। एंड जो लास्ट में जो भर्ती है वो अप्रोक्स 7,000 से 8,000 सीटें भरती है, यानी कि अप्रोक्स 20,000 सीटें ऐसी खाली रहती है। क्यों रहती है? चमन लाल कॉलेजों में रहती है, वो सिर्फ अच्छे कॉलेजों में खाली नहीं रहती है, ठीक है। खैर यार, हमारा मुद्दा है कुछ कॉलेजेस एंड उनके अंदर अलॉटमेंट, एंड बहुत सारे बच्चे तो ये देखने के लिए आते हैं कि भैया मेरे को कुछ रैंक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को कोई कॉलेज कोई ब्रांच अलॉट होगा कि नहीं होगा। तो यार आपकी अगर रैंक जेई के अंदर आपकी परसेंटाइल अप्रोक्स 80 से कम है, ठीक है, चलो 75 मान के चलो, 75 से अगर आपकी जेई में परसेंटाइल कम है, तो आप मान के चलो कि आपको कोई भी अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि होते ही नहीं है, लेकिन आप बहुत कम हो जाते हैं अच्छे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, जैसे एमबीएम जोधपुर, आरटीयू कोटा, सीटीयू उदयपुर, ठीक है, जीईसी अजमेर, गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज जयपुर वाले एरिया में आपको पता होगा, जैसे जेईसीआरसी, एसकेआईटी, पूर्णिमा, आर्या, ठीक है, ये कुछ कॉलेजेस हैं। उसके बाद में तो बहुत सारे भरे पड़े कॉलेजेस आपको चप्पे चप्पे पे कॉलेज मिलेंगे, आप कहीं ऐसे पत्थर फेंक के मारोगे जाके किसी ना किसी कॉलेज को लगेगा राजस्थान के अंदर तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब जो कॉलेजेस जैसे ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी जो रैंकिंग रहती है वो अप्रोक्स आपकी अगर रीप के अंदर 3,000 के आसपास अगर रैंक आ रही है देन आपको वो लोग अलॉट कर देते हैं, ठीक है। एंड अब क्या प्रोसेस रहता है भैया, ये जो गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस हैं इनमें भी यही है कि यू नो कंप्यूटर साइंस वगैरह तो यही 400-500 पर खत्म हो जाएगा, तो सीटीआई वगैरह है ये भी अप्रोक्स 400-500 पर खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज है, इतनी सीटें हैं, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो यार हम लोग क्या करें, जो बच्चे जिनके रैंक 5,000 आ रही है, 6,000 आ रही है, 7,000 आ रही है, 8,000 आ रही है, 13,000 जिसकी रैंक है, भैया मैं तो लास्ट वाला हूँ, मेरी तो 15,000 रैंक है, मेरे को क्या करना चाहिए? तो यार एक तो सबसे बड़ा इश्यू इस बार ये हो रहा है कि रीप काउंसलिंग बहुत ज्यादा लेट है, ठीक है, क्योंकि पंजाब जैसा स्टेट जहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनमें तो ऑलमोस्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कई दिनों से जो काउंसलिंग चल रही थी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एनआईटी आईआईटी के अंदर भी अप्रोक्स ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस एंडिंग पे चल रहा है, जोसा के ऑलमोस्ट 4 से 5 राउंड आ चुके हैं, और हमारा रीप राजस्थान के फॉर्म कंप्लीट नहीं हुए, 15 तारीख के बाद इनके फॉर्म कंप्लीट होंगे, फिर आउट ऑफ राजस्थान वाले बच्चे, फिर टीएफडब्ल्यू राजस्थान वाला जो राउंड आएगा अप्रोक्स 6 राउंड के बाद में आएगा, तो भैया अप्रोक्स आधा से एक महीना तो इसी में खर्च हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट में जो मैनेजमेंट कोटा के जो एडमिशन रखे हैं लोगों ने अप्रोक्स नवंबर में रखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा 4/9/2024, ठीक है। अगर राजस्थान में हमारा एडमिशन नहीं हुआ बाई चांस तो आप ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि आउट ऑफ राजस्थान में जहां भी जाएंगे आप, राजस्थान में नहीं लेंगे तो आउट ऑफ राजस्थान तो लेना पड़ेगा ना, अब राजस्थान में लेंगे कहां से आप एडमिशन? 4 कॉलेज ये इधर वाले हैं एंड 4 कॉलेज उस कोने पे, इधर जोधपुर साइड कुछ है, उधर जयपुर साइड कुछ है, उसके बाद तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, तो आप लोग करोगे क्या? इसलिए यार आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सीट मिलने लायक है कि नहीं है, ये
कैसे पता करें हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या चांस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आप हमारी, आपको लगता है कि हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है चमन लाल कॉलेजेस पे, हमने काफी सालों से रिसर्च किया है, हम कई सालों से वीडियोस बनाते आ रहे हैं, पिछले 5 साल से हम रीप पे के ऊपर एकदम हमको पूरा खटीन इसका नॉलेज हो चुका है, रीप क्या है, क्या करता है, कितने बच्चे, कौन सा कहाँ पर प्लेसमेंट, कौन सा चमन लाल कॉलेज है, कौन सा बेकार है, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, अच्छा कौन सा पढ़ाता है, आपकी जिंदगी कहाँ सेटल होगी कहाँ सेटल नहीं होगी, आपको ऐसा लगता है कि यार हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है एंड हम रीप के बारे में कुछ जानते हैं या फिर आपका एडमिशन में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं, देन हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको वीडियो के अंदर भी दिख जाएगा, आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, आप जो भी आपकी जो भी क्वारीज है, भैया हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारी ये कैटेगरी है, हमारे 12th में मार्क्स है, हमारे जेई में ये मार्क्स है, हमको आ रहा है एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हमको अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, कौन से कॉलेज में हमारा एडमिशन होगा, ये गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में से किसमें हो जाएगा, क्या टिल लास्ट राउंड तक हमारा एडमिशन हो जाएगा क्या, अगर आपको लगता है कि यार हो जाएगा हम भी बताते हैं कि यार हो जाएगा इस कॉलेज में ये ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगा, देन तो वेल डन है, अगर नहीं हो रहा है आपको लगता है हमको ऐसा लगता है कि यार राजस्थान में तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज नहीं बैठ रहा है, कोई भी कॉलेज नहीं है, अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, देन हम आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज सजेस्ट करते हैं जिनके साथ हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई बच्चों का, जिनके काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं बच्चों ने कि भैया अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है, हम बेसिकली अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में ही एडमिशन कराते हैं, प्राइवेट में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो हमारे कुछ पेड काउंसलिंग चार्जेस होते हैं, यू कैन पे दैट, हम आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करा देते हैं, स्पेशली इन द पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एंड आप लोग यार एक बहुत अच्छा फायदा ये उठा सकते हो कि आपने देखा होगा जो पंजाब के जो यूथ हैं वो बाहर जाने लगातार, जैसे 12th पास हुआ कनाडा आईलैंड्स किया, निकल गए इटली, निकल गए कनाडा, आप लोग इन चीजों का फायदा उठा सकते हो क्योंकि उधर के जो कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उधर की सीटें खाली पड़ी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस खाली पड़ी है, उनकी सीटों में कोई पढ़ नहीं रहा, अच्छे कॉलेजेस है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा प्लेसमेंट है, कंपनियां भी आ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, दिल्ली के नजदीक भी है, NCR के पास में भी है, हाईवे भी पास में है, कंपनियां भी है उधर, देन आप उधर की अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हो, दिस इज बेटर देन राजस्थान के जो कॉलेजेस आप लोग जो देख रहे हो, RTU हो गया, ये CTU हो गया, MBM हो गया, वो कॉलेजेस इनसे बेटर है, एंड ऑल्सो अगर आपकी 80% से अबव या 80% है देन आपको गवर्नमेंट हाफ फीस जो है रिलैक्सेशन देता है ट्यूशन फीस के अंदर, ये फैसिलिटी राजस्थान में नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट क्या चाहती है बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े कॉलेजों में आए, लेकिन उधर वाले बच्चे क्या करें कनाडा जा रहे, इसलिए आप लोग इसका फायदा उठाओ तुम लोग इस चीज का, ठीक है, और भी राजस्थान में यार हमको कोई बेटर ऑप्शन और कुछ दिखता नहीं है, 4-5 कॉलेजेज है, 4-5 प्राइवेट कॉलेजेज है, आप लोग बहुत ज्यादा हो तब हम और ऑप्शन लाई जा सकते हैं, बाहर अदर कॉलेजों में सेटल कर सकते हैं, पिछले कई सालों से यही करते आ रहे हैं, जिन भी बच्चों का इन कॉलेजों में लोट नहीं हो रहा है उनको अदर कॉलेजों में शिफ्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में अदर स्टेट्स के अंदर, वरना अगर चमन लाल कॉलेजों में जाओगे तो 4 गाली मुझे दोगे और 4 गाली कॉलेज वालों को, एंड आफ्टर बेरोजगार एंड फिर वही धरना आंदोलन एंड लाइक देट ब्ला 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 4 साल बाद, ठीक है, तो यार समझो इस चीज को, और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है अगर आपके जेई मेन में 76 से कम है और अगर आपने जेई दिया ही नहीं है, आपके अगर 99% भी है देन कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके लिए राजस्थान के अंदर। हाँ, ये जो प्राइवेट कॉलेज है इनमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही रीप खत्म होगा सीटें अगर बसती है तो आपको ये लोग अलॉटमेंट दे देंगे, और प्राइवेट में कैसे एडमिशन लेना है अच्छे गवर्नमेंट अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में वो हम आपका करा देते हैं बिना मैनेजमेंट कोटा के भी, नो वरी उसमें हम एक्सपर्ट हैं, आप हमारी व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम फ्री नहीं है लेकिन कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा बिल्कुल फ्री है आपके लिए हमारी तरफ से।